हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टिक एसिड के बारे में। दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन जो आता है यह एक एंटीबायोटिक साल्ट होता है, और लैक्टिक एसिड जो होते हैं वो हमारे जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे डाइजेशन से जुड़ी यदि हमें कोई प्रॉब्लम रहती है, जैसे हमारा खाना ना पचने जैसी संबंधित कोई समस्या रहती है, तो उस कंडीशन में ये दिए जाते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टिक एसिड कॉम्बिनेशन के साथ जो कैप्सूल आता है उसको कब इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन जो आता है यह एक एंटीबायोटिक सॉल्ट होता है, जो काम करता है यूरिन इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, उसके साथ साथ यदि किसी के पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं तो उस कंडीशन में, और यदि किसी के गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस दौरान भी डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल को दिया जाता है। और दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टिक एसिड ये कम्बिनेशन के साथ आता है, तो उस दौरान दोस्तों इसको ट्रेवलर डायरिया में भी दिया जाता है। यदि किसी को ट्रेवलर डायरिया की समस्या जैसी रहती है तो उसको ठीक करने के लिए भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, Doxy-1-LDR-4 के नाम से ये कैप्सूल आता है। इसको USB फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, जो कि बहुत ही फेमस एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। दोस्तों, ये जो कैप्सूल होता है एक इथिकल कैप्सूल होता है, जो जेनेरिक मेडिसिन नहीं है। और प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये 104 रुपये के आसपास में 10 कैप्सूल का पूरा एक स्ट्रिप आता है। इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है, इस समय जो इसका प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। स्पेशली दोस्तों, इस कैप्सूल का जो मेनली जो डॉक्टर अधिकतर जो प्रेस्क्राइब करते हैं, यदि किसी को पिंपल्स हो जाते हैं, ट्रेवलर डायरिया की यदि किसी को समस्या रहती है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सभी कंडीशन में सबसे ज़्यादा इसको डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसकी डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति को सुबह शाम एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर की देखरेख में ही करें, खुद से इस कैप्सूल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।